हेलो माय डियर फ्रेंड, नमस्ते ऑल ऑफ यू। टुडे आई विल मेक दाल फ्राई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार आप लोगों को। आज मैं बनाऊंगा दाल फ्राई और ये घर में बनेगा और काफ़ी देसी तरीके से बनाऊंगा। सबसे पहले मैं पैन को गर्म कर लूंगा, फिर उसमें तेल डाल दूंगा। तेल जब गर्म हो जाएगा तो उसमें छोटे छोटे टुकड़े में कटे और कुचले हुए लहसुन को डाल दूंगा। जब ये लहसुन थोड़ा पक जाए तो मैं फिर इसमें थोड़ा सा जीरा चटका लूंगा। जीरा की मात्रा आप थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम रख सकते हैं और लहसुन को सुनहरे होने तक आप तलते रहें। फिर अब इसमें मिर्च डाल दीजिए और इन सभी चीज़ों को धीरे धीरे पकने दीजिए। जब ये अच्छी प्रकार से फ्राई हो जाए तब आपको आगे की प्रक्रिया को दोहराना है। आप देख सकते हैं मैं जीरा डाल रहा हूँ और ये जीरा बहुत ही सुंदर तरीके से भुन गया है। अब मैं इसमें चाहूँ तो थोड़ा सा मस्टर्ड सीड, यानी कि मस्टर्ड सीड सरसों के दाने को भी डाल सकता हूँ, जिसे हम लोग जनरल भाषा में राई भी कहते हैं। जब आप राई डालेंगे तो उस दाल का स्वाद चार गुना बढ़ जाएगा। अब मेरे पास उबले हुए सूखे दाल पड़े हुए थे, मैं उस दाल को अच्छी प्रकार से चूर कर लिया हूँ और अब मैं उस दाल को इसमें डाल के फ्राई करूँगा। आप देखेंगे चुटकियों में मेरा दाल बनकर तैयार हो जाएगा। अब मैं दाल को 5 से 10 मिनट तक मध्यम आंच पे फ्राई कर लूँगा। जब मुझे लगेगा कि दाल फ्राई हो गया है, इसको सूखने नहीं देना है, इसी वजह से इसको धीरे धीरे फ्राई करना है कम हीट में। जब ये फ्राई हो जाएगा तब आप इसमें जितनी भी मात्रा में आपको दाल चाहिए उसके हिसाब से पानी डालकर अच्छी प्रकार से मिला लीजिए और इसको कुछ देर तक ओपन तरीके से उबाल लीजिए। आप देख सकते हैं मैंने इसे अभी ढका नहीं है, इसको थोड़ी देर उबाल रहा हूँ। अब मैं इसको थोड़ी देर के बाद ढकने की कोशिश करूँगा। ढकना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दाल तो सिझाना पड़ेगा ना। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दे रहा हूँ ताकि दाल का स्वाद नमकीन हो। आप चीनी तो दाल में डाल नहीं सकते ना, तो इसी वजह से इसमें नमक ही डलेगा, जो कि मैं कभी कभी डालना भूल जाता हूँ। तो इस प्रकार से देखिए मैंने नमक भी डाल दिया है। अब मैं पैन को अच्छी प्रकार से ढक दूँगा। आपको ढक्कन यूज करना है जो कि आपको इलेक्ट्रिक पैन के लिए दिया जाता है, दूसरा ढक्कन का इस्तेमाल ना करें। अब आप देख सकते हैं मेरा दाल बनकर लगभग तैयार है। मैं ढक्कन उठा के एक बार दाल को चेक कर लूँगा। आप देख सकते हैं दाल के किनारे किनारे कितना अच्छा तेल का एक लेयर सा बन गया है और जो मैंने फ़ौरन वगैरह डाला था वो भी साइड साइड से ऊपर आ गया है। तो ये दाल काफ़ी सुंदर और टेस्टी बनेगा क्योंकि इसे जब हम खाएँगे तभी आपको हम बता सकते हैं। फिलहाल मुझे अभी यह अनुमान लगाना होगा कि यह दाल कितना स्वादिष्ट और टेस्टी है। धन्यवाद।